हो जाएगा, डॉक्टर के पास आया तो इलाज होगा। इलाज होगा। So, welcome back again. This is me, Lucky, signing in with the Tidbit Talks. Hope you guys all are well. और भाई दो तीन दिन से ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमारी थोड़ी सी परेशानी शुरू हो गई। परेशानी क्या शुरू हो गई? लास्ट ब्लॉग आपने जो देखा बटेश्वर वाला, दैट वाज प्रॉब्लम, उसमें ये आई, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है बेसिकली। रात को मेरा कई बार एडिट करना पड़ा, कुछ हुआ, बहुत मुश्किलों से वो ब्लॉग अपडेट हुआ। और ब्लॉग अपडेट में प्रॉब्लम इसलिए आ रही है जस्ट बिकॉज कि मेरा लैपटॉप जो है अब हो गया है बेचारा। तो मेरा लैपटॉप जो है ये हो गया है पुराना, इट इज 2012 मिड एप्पल मैकबुक प्रो। और इसमें एडिटिंग वाला जो सॉफ्टवेयर है प्रीमियर प्रो, तो यार बॉस क्रैश मार जा रहा है, खुल ही नहीं रहा है। फिल्मोरा पे एडिटिंग करी तो भाई क्या कारण हो रहा है, फिल्मोरा भी क्रैश कर रहा है इस पे। वो बहुत स्लो हो गया, बहुत स्लो, मतलब बहुत ही ज्यादा स्लो। तो आओ दिखाते हैं अब इसको स्टार्ट होने रीस्टार्ट होने में क्या टाइम लग रहा है। और अब हमने इस पर दिमाग लगाया है, टेक्नीशियन से बात की, उनसे मैंने बात की है तो उन्होंने कहा है कि अपन इसकी रैम अपग्रेड कर देते हैं। अभी डली है शायद 4 GB इन स्टॉक, अपन इसको अब 8 GB या 16 GB में बदलेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, हमने यहाँ पर सेट कर लिया स्टॉप वॉच देखने के लिए कि अब मतलब बेसिकली परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क आने वाला है। अभी है ये 4 GB पे, और जब अपग्रेड कर लेंगे तो उसके बाद क्या परफॉर्मेंस पे फर्क आने वाला है वो देखने के लिए हमने यहाँ पर स्टॉप वॉच लगाई है। सो स्टॉप वॉच सेट्स हियर, देख पा रहे हो, चलो यहाँ लगा देते हैं। 1, 2, 3 इट्स कंप्लीटली, अभी शट डाउन कर दिया था मैंने, अब ये रीस्टार्ट होने जा रहा है। हार्ड ड्राइव की मुझे नहीं लगता यहाँ पे ज़रूरत है। नहीं, अगर इन केस अगर अपग्रेडेशन की बारी आई तो हम इसमें 256 या 512 SSD भी लगवा देंगे। बट बंदे से जिससे मेरी बात हुई है उसका कहना है कि हार्ड ड्राइव अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जस्ट बिकॉज आपका हार्ड ड्राइव ऑलरेडी खाली है बहुत कुछ। सो लेट्स सी ये कितनी देर में स्टार्ट होता है। 47 सेकेंड्स तो हो गए हैं, 48। ओफ देख रहे हो आप कितना स्लो हो चुका है यार, इट्स ऑलरेडी 6 to 7 years old। मैंने परचेज किया था इसको 16 में, क्योंकि 16 में लास्ट मैकबुक का जो था वो यही वाला मॉडल रहा था। उसके बाद 2018 में नया आया है, 17-18 में नया आया है शायद, और जो विच इज़ कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, छोड़ो वो सारी चीज़ें। तो आज का हमारा ब्लॉग जो है वो है मैकबुक के अपग्रेडेशन के ऊपर कि क्या 2012 का मैकबुक अपग्रेड हो सकता है और अपग्रेड होने के बाद उसकी परफॉर्मेंस क्या आती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बने रहें, आगे क्या होने वाला है वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। भाई साहब लगभग 2 मिनट हो गए। अभी भी पूरे आइकन्स वगैरह कुछ नहीं आए हैं, तो अब आ रहा है ये, ए, ए, ए। अब जाके ये पूरा आया है। तो देखा आप लोगों ने 2 minute 33 seconds में ये पूरी तरह स्टार्ट हुआ। जो यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक करो, इंस्टाग्राम की आईडी नीचे चल रही है इसको फॉलो कर लो यार, इंस्टाग्राम पे आप लोग बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हो। चलो ठीक है, आगे और देखना है। तो आगे हम बताने वाले हैं कि क्या खर्चा आया, कैसे रैम जो है वो अपग्रेड हुई और क्या परफॉर्मेंस आने वाली है। तो वीडियो को आगे और देखने के लिए बने रहे, आओ मिलते हैं अपन अपग्रेडेशन पर। फाइनली आ गया अपना मैकबुक डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब भी हैरान है इसके बन चालू को देख के, क्या कहते हो आप? हो जाएगा, डॉक्टर के पास आया तो इलाज होगा। कोरोना तो नहीं हुआ है इसको, सांसें नहीं फड़फड़ा रही हैं अभी इसकी। ये रही हमारी पुरानी रैम जो 2 GB है दिख रही हो तो, और अब जो लगने जा रही है वो ये है नई 8 GB की। तो
ठीक है, ये हो गई हमारी रैम इंस्टॉल्ड। अब हो गया 8 GB + 2 GB, 10 GB, एक स्लॉट और होता हम इसको भी लगा देते हैं हमारे। तो फाइनली मैकबुक पहुंच गया 4 से निकल के 8 GB की दुनिया में। इस पर क्लियर दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो अपन यहाँ से दिखा देते हैं, एक स्लॉट एम्प्टी। अगर हमारा मन हुआ तो अगले हफ्ते हम इसमें 8 GB का और भरवाएंगे। अभी भी 16 GB का ऑप्शन था मेरे पास, बट मैंने इसलिए नहीं किया, मैंने एक हफ्ते में 8 GB पे चला के देखता हूँ। अगर चीज़ समझ में आई तो अपन 8 GB पे कंटिन्यू करेंगे, और नहीं आई तो अपन फटाक से इस वाले स्लॉट को भी भरवा देंगे। क्या बोलते हो दोस्तों, है ना? तो ये थी मैकबुक की पूरी जानकारी। अच्छा, जिसके यहाँ से मैंने करवाया है ये हमारे भाई हैं, मैं इनको प्यार से मोनू भाई बोलता हूँ, बाकी इनका नाम दूसरा है जो मेरे को आज तक। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहुल, मैंने ये लक्की भाई का लैपटॉप अपडेट कर दिया है, अब इनको चलाने में मजा आएगा। हम हैं अभी वेदांश टेक्नोलॉजी मानसरोवर कॉम्प्लेक्स भोपाल। वेदांश टेक्नोलॉजी मानसरोवर भोपाल, मोनू भाई मतलब पिछले 3-1 साल से मेरा मतलब जितना भी ये वाला IT एक्सपर्ट वाला काम है ना, हार्डवेयर रिलेटेड बेसिकली, ये सारा यही देखते हैं। और लास्ट टाइम इसका स्क्रीन का एक प्रॉब्लम हुआ था जो भाई ने ऐसे करके ख़त्म कर दिया था, मतलब विश्वसनीय है अपने तो भाई, बहुत विश्वसनीय है। तो मस्ट रेकमेंड, 5 स्टार रेटिंग। बेहतरीन जुगाड़ को प्रेफर नहीं करते, लेकिन अपने लिए कुछ ना कुछ करके जुगाड़ करवा देते हैं, ठीक है। जुगाड़ ऐसी ऐसा नहीं कि सेकेंड हैंड माल लगा देते, जुगाड़ ऐसी करवा देते हैं कि भाई जैसे अभी लॉकडाउन के टाइम में चाइना से माल आ नहीं रहा है, और सबको पता है मदरबोर्ड और चिपसेट सारे चाइना और इधर ही साइड से आते हैं, लेकिन भाई ने हमारे लिए रैम जुगाड़वा दी। हमने सुबह बोला था, शाम को इनने जुगाड़ के दे दी, ऐसी जुगाड़ करवाते हैं। तो यार निराश होके नहीं जाओगे, मस्त सर्विस, मस्त रिकमेंडेड। एड्रेस लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, चलो आप चले घर। तो ये है वेदांश टेक्नोलॉजी का बोर्ड, और ये है मोनू भाई की दुकान, ये रहा, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर देख ही गया होगा। आज के लिए रखते हैं बस इतना ही। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो किसी भी रीजन से, तो इसको डोंट फॉरगेट द हिट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। और थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव था, मस्ट रेकमेंड, मैंने अभी 8 GB करवाई, 16 GB, एक आध हफ्ते में अपन करवाएंगे अगर 8 GB में अपना काम ठीक ठाक नहीं हो। तो ये ब्लॉग यहाँ तक देखने के लिए बहुत सारा शुक्रिया, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब एंड Don't forget one. Show dil mein aaye, wo karo. Bye bye.